लीजिए ना घर पर। आप कहाँ से आए हैं? सबको जी मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ भाई साहब, और हम राजेंद्र नगर के पास ही रहते हैं और काफ़ी दिनों से संघ के साथ शिक्षण वर्ग लेकर के काम कर रहे हैं। और इससे पहले हम दिल्ली में थे, अभी हम यहाँ पे हैं। जिस तरह से बाढ़ में पप्पू यादव जी का काम हो रहा है तो काफ़ी ही काबिले तारीफ है। और ये लगातार, चाहे वो दिल्ली हो, छात्र की बात हो, बिहार की बात हो, बिहार में किसी भी ज़िले की बात हो, तो ये बराबर ही सबसे पहले व्यक्ति को देखते हैं, समाज को देखते हैं, और संघ की भी विचारधारा यही है। संघ भी इसी तरह का राष्ट्र निर्माण करना चाह रहा है जहाँ पे जो सबसे पिछले पायदान पे जो व्यक्ति हैं, जो निचले पायदान पे, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उनमें एक विश्वास जगाया जाए कि अपना जो राष्ट्र जो है, जो विश्वगुरु था और अभी भी है और रहेगा जी, बिल्कुल। ये निस्वार्थ भाव से जो इनका काम है, स्वयं सेवकों का भी ऐसे ही काम होता है, उसमें होता है कि स्वयं के प्रेरणा से काम करना। तो पप्पू यादव जी ना कभी चुनाव की बात, वो उसको अलग रख करके पहले अपना स्वयं की प्रेरणा से सारे सामान लेकर के अपने लोगों को इकट्ठा करके काम में लग जाते। और कहीं ना कहीं मेरी भावना ऐसी, और हमारे साथ जुड़े हुए मेरा तेजवल प्रताप, संघ में हम विस्तारक भी रहे हुए हैं, दिल्ली में विस्तारक थे, उसके बाद अभी बिहार में आए, औरंगाबाद से हैं, वहाँ पे हम शाखा करवा रहे हैं, और अभी स्वयंसेवक के नाते राजेंद्र नगर जो विजय निकेतन कार्यालय है वहाँ से जुड़े हुए हैं, शाखा जाना होता है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्वयंसेवक का भी काम कर रहे हैं।